फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि ओलम ट्रेड ऐप रियल है या फिर फेक है और आपको इसमें ट्रेडिंग करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो आप इस वीडियो को थोड़ा सा स्किप मत करना और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक जरूर कर देना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहले हम ओलम ट्रेड ऐप को ओपन कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें ओलम ट्रेड के फीचर्स के बारे में तो इसमें आपको लगभग सभी फीचर्स मिल जाते हैं जो एक ट्रेडर को चाहिए। जैसे कि यहाँ पे आपको कैंडल स्टिक का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे आपको बहुत सारे एसेट्स देखने को मिल जाते हैं जिनमें आप यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो आपको फॉरेक्स का भी ऑप्शन मिल जाएगा, स्टॉक्स का भी ऑप्शन मिल जाएगा। तो एसेट्स में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाले हैं, आपको यहाँ पे बहुत सारे एसेट्स मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको इंडिकेटर्स भी मिल जाते हैं, यहाँ पे आप इंडिकेटर्स भी अप्लाई करके यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हो और यहाँ पे आपको अलग अलग टाइम फ्रेम भी देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे फीचर्स आपको लगभग सभी मिल जाते हैं और इसमें आपको तीन अकाउंट देखने को मिल जाते हैं, एक डेमो अकाउंट, एक INR अकाउंट और एक USDT अकाउंट। तो अगर आप इंडिया से हो तो आप INR अकाउंट यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो और इसमें आप पैसे डिपोजिट करके यहाँ पे आप ट्रेडिंग कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि इसमें सभी फीचर्स है ही जो एक ट्रेडर को चाहिए और इसमें हमें INR अकाउंट भी देखने को मिल जाता है, तो ये तो ऐप 100% रियल ही होगा। तो फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ओलम ट्रेड ऐप एक रियल ऐप भी है और एक फेक ऐप भी है। अब ओलम ट्रेड ऐप को मैं रियल और फेक इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर आप एक न्यू यूजर हो और आप ओलम ट्रेड ऐप पे अकाउंट क्रिएट करके यहां पे ट्रेडिंग करना शुरू करोगे अपने रियल अकाउंट से भी, तो यहां पे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि आप बहुत ही कम अमाउंट से यहां पे ट्रेडिंग करोगे और आप यहां पे प्रॉफिट भी करोगे और लॉस भी करोगे। यहां पे अगर आप मैक्सिमम प्रॉफिट भी करते हो तो भी आपको यहां पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, आपके पैसे यहां पे विथड्रॉ हो जाएंगे। कभी कभी आपको विथड्रॉ से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकता है बट वे सॉल्व हो जाएंगे। बट अगर आप एक बड़े अमाउंट से ट्रेड करते हो जैसे कि 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख और आप यहाँ पे एक अच्छे ट्रेडर बन गए हो और आप यहाँ पे ज्यादा लॉस नहीं करते हो, जहाँ पे आपका मैक्सिमम प्रॉफिट ही होता है, तो यहाँ पे आपको ट्रेड लेने में भी प्रॉब्लम आएगा क्योंकि यहाँ पे आपका ट्रेड लेना भी लिमिट हो जाएगा। आप एक लिमिट में ट्रेड ले सकते हो और यहाँ पे आपको विथड्रॉल से रिलेटेड भी प्रॉब्लम आने लगेंगे। प्लस यहाँ पे किसी किसी का तो अकाउंट ही सस्पेंड हो गया है, तो कुछ ऐसे आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकते हैं अगर आप अच्छे से ट्रेडिंग करते हो। तो फ्रेंड्स, मैंने इसी कारण से बोला कि ओलम ट्रेड ऐप एक रियल ऐप भी है और एक फेक ऐप के बराबर भी है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं कि जो भी ये फॉरेक्स ट्रेडिंग ऐप है ये सभी इनलीगल है इंडिया में, क्योंकि यहाँ पे अगर आप जो भी पैसे लॉस करते हो या फिर कोई भी आपका पैसा फंसता है, आपका यहाँ पे अकाउंट सस्पेंड हो जाता है, तो उसके लिए यहाँ पे कोई भी जिम्मेवार नहीं होगा। जो भारत सरकार है वे जिम्मेवार नहीं होगा। यहाँ पे आपका जो भी प्रॉफिट होता है या फिर लॉस होता है तो उसका खुद जिम्मेवार आप हो। अब फ्रेंड्स, आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि हमें ओलम ट्रेड ऐप पे ट्रेडिंग करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मेरी मानो तो इस पे आप ट्रेडिंग मत करो। इस पे क्या, आप फॉरेक्स में ही ट्रेडिंग मत करो। अगर आपको एक अच्छा ट्रेडर बनना है तो आप इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करो, क्योंकि वहां पे अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा और वे इंडिया में लीगल भी है। तो आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करो, वहां पे आप एक अच्छा ट्रेडर बन सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये मेरा ओपिनियन था। अगर आपको लगता है कि आप ओलम ट्रेड ऐप पे ट्रेडिंग करके पैसे कमा लोगे तो आप इसे यूज कर सकते हो। मैंने आपको अपना ओपिनियन बता दिया। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।